कहते हैं कि पोत कपूत भले ही हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। एक बेटे ने इस कहावत को एक बार फिर सच साबित कर दिया। उसने अपने माँ की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या ही नहीं बल्कि उसकी आंखें तक निकाल ली। इसके बाद उसने पुलिस को अपनी माँ की हत्या हो जाने की सूचना दी। सुनिए हत्यारे बेटे की करतूतों की कहानी जिसने अपनी माँ की जान ली। क्या नाम है तुम्हारा? मैं रंजीत कुमार। रंजीत, कैसे तुमने प्लान बनाया था और क्या वजह थी अपनी माँ की तुमने हत्या? कुछ दिनों से लेकर किसी बात से रंजिश हो रहा था, जमीन और मकान के सिलसिले को लेकर के, तो बार बार इनकार करती रही। हम चाहते थे कि हमारे नाम से पूरे संपत्ति हो जाए, लेकिन जिन दिनों ये हादसा हुआ उस दिन मैं थोड़ा शराब वगैरह पी लिया था और कुछ कहा सुनी हो गई उस दिन, और इसी बात को लेकर के हमको हमारे पर दो चार थप्पड़ भी हाथ उठा दी। उसके बाद अपना संतुलन खो दिए थे, शराब पिए थे, हम उठा कर कुल्हाड़ी मार दिए हम। उसके बाद और उसके बाद कंप्लेन भी किए थे हम कि हमारी माँ का हत्या हो गया। क्या नाटक किया था पुलिस के सामने? बस यही, हमसे गुनाह हो गया जो तो जो हमको करना नहीं चाहिए और जो कि बहुत ही अपराध है। अब हमको पछतावा हो रहा है। किसको फंसाए थे तुम? मोहल्ले के तीन लड़के थे, त्रिभुवन, अनूप, सूरज, तीनों भाई थे। उनको फंसाने का कारण ये था क्योंकि अगले महीने उन लोगों ने हमारे घर में चोरी की थी, कुछ जेवर वगैरह और पैसे भी, नगद कैश भी चोरी किया था उन लोगों ने, और जो कि मैं रिपोर्ट किया था उन लोग के नाम से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर वो लोग एक आध दिन पकड़ाए भी, दो चार घंटे के लिए छूट गए। तो हम सोचे इसी मामले में ले करके इसी केस में उन लोग को अंदर करवा दें, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हुआ तो पकड़ाए नहीं, तो वो लोग इसमें पीते हैं और चोरी करते हैं बराबर, मोहल्ले में पूरे बदनाम है वो लोग, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम उन लोग का नाम डाल दिए। जब पुलिस पहुंची तो तुम रोने का नाटक भी कर रहे थे दिमाग की हत्या? हम रो रहे थे, बाद में हम रो रहे थे, जब नशा मारा उतर गया तो रोने लगे। उस झोंके में हम नहीं सोचे कि हमसे हम ऐसा कर दिए। एक धुन होता है ना सवार, वही सवार हो गया था, लेकिन जब उतर गया तो उसके बाद बहुत पछतावा रहा और आज तक पछतावा ही पछतावा रहा। तो माँ की तुमने हत्या की, पुलिस तुम तक कैसे पहुंच पाई कि तुम ही ने हत्या किया? हम 100 नंबर से पे कान में कॉल करवाए थे ना, मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठा हो गए थे, सब लोगों ने वही लोग मतलब बुलवाए। तुम्हें अफसोस है माँ की हत्या? बहुत हत्या सर, बहुत अफसोस है इस बात को लेकर के, क्योंकि मेरा जमीर अब रो रहा है मुझसे बहुत। इतना ही नहीं, पुलिस के आने के बाद वह घड़ियाली आंसू भी बहाता रहा, लेकिन पुलिस ने इस दरिंदे की चाल को नाकाम कर घटना का खुलासा कर दिया। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के जंगल तुलसीराम के मकान नंबर 258 सी में एक वृद्धा की हत्या की सूचना 23 अगस्त की दोपहर में पुलिस को मिली। यह सूचना वृद्धा के बड़े बेटे यानी रंजीत ने ही दी थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मकान के अंदर 70 वर्षीय वृद्धा भोली देवी की खून से लथपथ लाश पड़ी मिली। वृद्धा के गले पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्यारे ने उसकी आंख भी धारदार हथियार से बाहर निकाल दी थी। दिनांक 23 अगस्त को शाहपुर थाना क्षेत्र में बेशिया मोहल्ले में एक वृद्ध महिला लगभग 70 वर्षीय उनकी उम्र थी, उनकी हत्या उनके घर में ही धारदार हथियार से कुल्हाड़ी से कर दी गई थी। तो मृतका के लड़के रंजीत ने अपने कुछ आसपास के लोगों के शक के आधार पर मुकदमा लिखाया गया था। छानबीन से और विवेचना के दौरान जब जांच आगे बढ़ी तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि जो मृतका हैं भोली देवी, उनके लड़के रंजीत जो स्वयं मुकदमावादी है, जिसने मुकदमा लिखाया था, उसी ने प्रॉपर्टी के विवाद में अपनी माँ की कुल्हाड़ी मार के हत्या किया था। विवेचना से जब इस बात के साक्ष्य मिले और उसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपने स्वयं को के जुर्म को स्वीकार कर लिया। हत्या की वजह यह थी कि मृतका के दो बेटे थे, उनके बड़े बेटे की मौत हो चुकी है, उनके बड़े बेटे की पत्नी, उनके परिवार के लोग
और ये जो रंजीत है, जो मुकदमा वादी था जिसने अपनी माँ की हत्या किया है, ये अपनी माँ पर लगातार दबाव बना रहा था कि पूरी प्रॉपर्टी जो मकान और ज़मीन उनके नाम है ये अकेले इसके नाम रजिस्ट्री कर दें, जबकि मृतका की माँ इस बात को लेकर कतई तैयार नहीं थी। वो अपने दोनों बेटों को बराबर हिस्सा ज़मीन जायदाद में देना चाहती थी। हाँ, जब हम लोगों ने घटनास्थल की विजिट किया था और आसपास देखा था तो प्रथम दृष्टया कुछ सबूत ऐसे मिलने लगे थे जैसे जिस धारदार हथियार से हत्या की गई थी। कुल्हाड़ी को बड़ा सलीके से खड़ा किया गया था, कुछ कपड़े ऐसे थे जिससे ब्लड को पोंछा गया था, तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि मतलब किसी बाहर के व्यक्ति ने हत्या नहीं की है, ये हत्या घर के अंदर ही की गई है। तो इससे स्पष्ट कुछ साक्ष्य हम लोगों को मिल गए थे उसी दिन। अब यह चूँकि स्वयं मुकदमा वादी बना, इसने अपनी माँ की हत्या किया, तो अपने को जुर्म से बचाने की कोशिश में इसने वहाँ पे कुछ अभिनय किया था। चूँकि ये मुकदमावादी था, इसने मुकदमा लिखाया था और हत्या का जुर्म था इसके ऊपर, उससे बचने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अभिनय कर रहा था। कितना जघन्य मानते हैं माँ की, अपनी माँ की हत्या की, यह तो आप स्वयं इसे पूछ लीजिए। एसपी 9 न्यूज के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।